बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो आज हमारी टाटा पंच में एक एक्सेसरी और ऐड होने वाली है। आइए मेरे साथ दिखाता हूँ क्या है। तो ये जो है टेल लाइट क्रोम, ये टेल लाइट क्रोम यहाँ इस लाइट पर हमारे जो है इस तरह से यहाँ लगेगी। और इसका मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है जेन्युइन एक्सेसरी है टाटा की, टाटा पंच की। जून 2022 की पैकिंग है और 1399 रुपये इसकी कॉस्ट है। तो अभी आप देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। और देखते हैं इसका लुक कैसा लगता है। तो ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है, ये इसका वारंटी कार्ड है और एक प्राइमर कॉटन। ये हमारी ये क्रोम है और ये इसकी पार्ट नंबर है। और ये कैसे लगाना है ये दिखा रखा है कि इसे जहाँ हमें लगाना है उस एरिया को अच्छे से साफ करना होगा इस प्राइमर और कॉटन की हेल्प से। और उसके बाद में हमें जगह देखनी है इसकी प्रॉपर, मैच द पार्ट एरिया, ये जिसकी लोकेशन प्रॉपर चेक करनी है। और यहाँ से फिर हमें इसकी टेप हटानी है और इसको अच्छे से पेस्ट कर देना है। तो ये 4 स्टेप में हमें जो है इसको पेस्ट करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इसे अपने आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप इसको इंस्टॉल कराना चाहते हैं कंपनी से तो कंपनी वाले भी इंस्टॉल कर देंगे। ये सबसे पहले हमने कॉटन के कपड़े से साफ किया। अब प्राइमर को ओपन करते हैं। ये आ गया हमारा पार्ट, यहाँ से इसको ये देखिए ये प्राइमर निकल आया है। अब इस पार्ट को खोलते हैं। ये दो पार्ट हैं इसके, एक पार्ट दूसरा पार्ट और है इसमें, ये दोनों साइड के हैं लेफ्ट और राइट। तो ये देखिए इसमें यहाँ ये है, ऐसे फिक्स होगा, ठीक है। और अब बारी आती है इंस्ट्रक्शन, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि ये जो पार्ट है अपर की तरफ होना चाहिए कट। तो हम भी इसको अपर की तरफ कट ऊपर लेंगे, ये यहाँ इसको यहाँ, जी हाँ यहाँ ऐसे फिक्स होगा। तो अभी हम इसको पहले क्लीन करते हैं कॉटन और प्राइमर की हेल्प से। ये देखिए ये हमने प्राइमर को इस पर डाला और इस एरिया को अच्छे से हम साफ कर लेंगे। इससे क्या है कि हमारी जो 3mm की जो टेप है उसको अच्छे से पेस्टिंग हो जाएगी यहाँ पर। अब ये वाला पार्ट अपर आएगा और हम इसकी टेपिंग हटाते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसकी टेपिंग हटाएंगे। सारी टेप हमने रिमूव कर ली है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ से। देखिए कॉटन से साफ किया है, यहाँ से हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे और यहाँ से ऐसे और इसको फिर ये इसको अप्लाई करते हैं।
हमने लगा दी है। अब आप देख सकते हैं इसका लुक कैसा आ रहा है। भाई अपनी गाड़ी में छोटा सा स्क्रैच फिर से लग गया है। ये अलग अलग टास्क दे रहे हैं हमें, कोई मुझे जो अलग अलग रिवर्स बैक करने का टास्क मिल रहा है, तो जिसकी वजह से जो है ये थोड़ी सी क्रोच लग गई है। दर्द तो बहुत हुआ था जब ये लगा था। चलो कोई नहीं, इसको भी हम ठीक कराएंगे। तो बाकी अभी ये देख सकते हैं ये हमारी जो है बैक लाइट क्रोम लगी है। कैसी लगी आपको बताइएगा। दूसरी लगाते हैं हम। इधर भी एक बार हम कपड़े से साफ करेंगे। इसके बाद फिर से प्राइमर और कॉटन की हेल्प से इस एरिया को क्लीन करेंगे, जिससे कि कोई डस्ट वस्ट ना आए इस एरिया में और हमारी जो क्रोम है अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए यह हल्का हल्का वाइट नज़र आ रहा है आपको, ये प्राइमर की वजह से है। ये जो है इस एरिया को अच्छे से पेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये दूसरी जो है हमारी टेल, और अब हम इसको लगाएंगे। देखिए हमने प्राइमर अप्लाई किया और इसके बाद हम अब जो है इसको प्रॉपर शेप में लेंगे।